नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। नगर निगम के निलंबित अधीक्षण यात्री हरभजन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इंदौर नगर निगम में अटैच रहने के दौरान उन्हें निलंबित कर रीवा निगम में अटैच किया गया था। मूल रूप से वह रीवा नगर निगम के ही कर्मचारी रहे हैं और प्रतिनियुक्ति पर इंदौर भेजे गए थे। हरभजन सिंह ने अवकाश नकदीकरण के लिए फाइल तैयार कराई और वह जिम्मेदार विभागों से पास भी होती गई। आखिर अनुमति के लिए मामला जब ऑडिट में पहुंचा तो आपत्ति दर्ज कराई गई और बात आयुक्त संस्कृति जैन तक पहुंची। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त केएन साकेत, लेखाधिकारी अवनीश त्रिपाठी व कर्मचारी अरविंद झंझोट को नोटिस जारी कर भुगतान रोक दिया है। तो आइए जानते हैं कौन है अधीक्षण यात्री हरभजन सिंह और क्या है मामला। हरभजन सिंह इंदौर नगर निगम में पदस्थापना के दौरान 3 साल पहले उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने हनी ट्रैप का आरोप लगाया था। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ महिलाओं का गिरोह उन्हें ब्लैकमेल करता है। बाद में मामला हाईलाइट हुआ तो हरभजन को निलंबित कर दिया गया था और पुनः रीवा नगर निगम अटैच कर दिया गया। बताया गया है करीब 14 लाख का अवकाश नकदीकरण का दावा हरभजन सिंह ने प्रस्तुत किया था, जिसे भुगतान करने के लिए पूरी योजना भी तैयार की गई थी। अवकाश नकदीकरण का लाभ उन अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है जो सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होते हैं। हरभजन सिंह निलंबित थे और इसी दौरान उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख आ गई, जिसके चलते ऑडिट ने आपत्ति दर्ज कराई है कि निलंबित अधिकारी कर्मचारी को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकता। जब तक मामले का निराकरण होकर वह दोष मुक्त नहीं होंगे तब तक भुगतान नहीं होगा। जानकारी मिलने पर नगर निगम आयुक्त ने भुगतान रोका है और नोटिस जारी की है।